नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स 2019 और 20 को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि किस इंडेक्स को किस संस्थान ने जारी किया है और इसमें पहले रैंक किस देश को दिया गया है और इसमें जो है भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग ड्राफ्ट ग्रुप में सब कुछ देखेंगे। हर एक देश के बारे में जो बताया जाएगा, उस देश के फ्लैग को यहाँ पे दिखाया गया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इंडेक्स, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020। यह जो रिपोर्ट है, यह UNSDS ने जारी की है और इसका जो फुल फॉर्म होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इंटरनेशनल ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसके अनुसार जो है प्रथम स्थान फिनलैंड को दिया गया है और जो भारत की जो रैंक है इसमें वह 144वीं रैंक है। तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है और जो भारत का जो स्थान है वह 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला इंडेक्स। हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, यह जो इंडेक्स है यह जर्मन वॉच ने जारी किया है और इसके अनुसार जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का जो इसमें स्थान है वह 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और जापान को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला जो हमारा इंडेक्स है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट है वह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने तैयार किया है और इसके अनुसार जो है प्रथम स्थान नॉर्वे को दिया गया है और जो इसमें भारत का जो स्थान है वह 51 भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वह 51 है। आइए हम लोग अगला सूचकांक देखते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। यह जो रिपोर्ट है यह INSEAD ने तैयार की है और इसमें जो है स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत की रैंक है वह 72 भारत की रैंक है। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत जो है वह 72वें पायदान पर है। आइए देखते हैं अगला सूचकांक। हम लोग वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, यह जो रिपोर्ट है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से रखा गया है। इसमें जो भारत का जो स्थान है वह 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से हैं और जो भारत की जो रैंक इसमें है वह 80 रैंक भारत की प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला सूचकांक। हम लोग वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, यह जो रिपोर्ट है यह विश्व आर्थिक मंच ने तैयार की है और इसके अनुसार जो स्वीडन है इसको प्रथम स्थान दिया गया है और जो अपना भारत देश है इसमें इसकी जो रैंक है वह 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त है और भारत को जो है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला सूचकांक। लोग वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जो है इसकी जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर्स ने तैयार की है और इसके अनुसार जो अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है और जो अपना भारत देश को जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को जो है 40वां स्थान प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग अगला सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक 2019। यह जो रिपोर्ट है वह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने तैयार की है और इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और जो भारत को है 141वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत खराब माना जाता है रैंक भारत की। इसको हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। विश्व शांति सूचकांक 2019 में आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत की जो रैंक है इसमें वह 141वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर्स ने तैयार की है और इसके अनुसार जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत की जो इसमें रैंक है वह 140वीं रैंक है। आइए देखते हैं अगला हम लोग सूचकांक, विश्व लैंगिक समानता सूचकांक 2019 की जो रिपोर्ट है वह एकल मेजर्स ने तैयार की है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है डेनमार्क का प्रथम स्थान दिया गया है और भारत की जो रैंक है वह यहाँ पे 95 यहाँ पे भारत की रैंक है। इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क को और भारत की जो रैंक है वह 95 है।
अगला इंडेक्स हम लोग देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019। यह जो रिपोर्ट है यह WIPO ने तैयार की है और इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत का जो स्थान है वह 52 स्थान भारत को मिला है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को और 52 स्थान जो है भारत को प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला हम लोग इंडेक्स, वर्ल्ड कम्पिटेटिव इंडेक्स 2019 जो है इसकी जो रिपोर्ट IMD ने तैयार की है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट में जो है सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत का जो स्थान है वह 68 है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वर्ल्ड कम्पिटेटिव इंडेक्स 2019 में सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत की रैंक है वह 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। यह जो रिपोर्ट है यह वेल्ट हंगर लाइफ ने तैयार की है और इसमें जो बेलारूस को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत की रैंक है वह 102 स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में बेलारूस को प्रथम स्थान दिया गया है और जो भारत का स्थान है वह 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला हम लोग इंडेक्स देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। यह जो रिपोर्ट है यह जर्मन वॉच ने जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन को प्रथम स्थान दिया गया है और इसमें जो भारत का स्थान है वह 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन को प्रथम स्थान और भारत को जो 9वां स्थान प्रदान किया गया है। आइए अगला इंडेक्स हम लोग देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। यह जो रिपोर्ट है यह विश्व आर्थिक मंच ने तैयार की है और इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को जो है 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड का और भारत का जो स्थान है वह 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला हम लोग सूचकांक देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में यह जो रिपोर्ट है यह WHO, यूनिसेफ, लैसन मेडिकल जनरल तीनों ने सामूहिक रूप से जारी किया है। इसके अनुसार नॉर्वे को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है और भारत का जो इसमें स्थान है वह 77वां स्थान प्रदान किया गया है। आइए अगला हम लोग इंडेक्स देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। यह जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है जापान को पहला स्थान प्रदान किया गया है, इसमें जो भारत का स्थान है वह 84वां स्थान प्रदान किया गया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को जो है 84वां स्थान प्रदान किया गया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेकर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।